जनपद पंचायत मंदसौर की ग्राम पंचायत सेमलिया हीरा के सरपंच प्रतिनिधि भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखने को तैयार हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। ग्राम पंचायत सेमलिया हीरा में सरपंच प्रतिनिधि ने लाखों रुपए के घोटाले किए हैं। गांव वाले बताते हैं कि सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण कुमार द्वारा लोगों से 50-50 हजार रुपए लेकर पट्टे वितरित किए गए हैं। गांव के कुछ जागरूक लोगों द्वारा आरटीआई लगाकर जब इसकी जानकारी ली गई तो एक व्यक्ति के नाम से दो दो तीन तीन पट्टे बने हुए हैं, परंतु लोगों को सिर्फ एक एक पट्टे ही मिले हुए हैं। आखिर डबल कटे हुए पट्टे किसको मिले, कैसे मिले, यह एक विचारणीय विषय है। वर्तमान में पंचायत में जो पट्टे कटते हैं उसको लेकर आरटीआई लगाई गई थी, इसकी जानकारी आपको क्या कमी आई? सब जो हमने आरटीआई लगाई थी उसमें अभी हमें जानकारी मिली कि एक आदमी के नाम से इन सरपंच ने तीन तीन पट्टे जारी किए और तीन पट्टे में से मेन जो आदमी है उसको एक ही पट्टा मिला और दो दो पट्टे सरपंच ने खुद ने बेच दिए हैं, पैसे लेके बेच दिए हैं, दो दो 50-50 हज़ार रुपये लेके उन्होंने पट्टे बेच दिए सब। कितने पट्टे होंगे ऐसे जो डबल कटे हुए और कम से कम 20-30 पट्टे हैं कटे हुए जिनका हमारे पास सबूत भी है। और अब पुराने बने बड़े डबरी तालाब के बीच में तीन पाल बनाकर तालाब को तीन हिस्सों में बांटकर नए तीन तालाब पास करवाकर अपनी जेब गरम कर ली। चलो अच्छी बात है, जनता का भला होना हो अपना भला तो होता है। भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, आपके ग्राम पंचायत में कितने तालाब बने हुए, छोटे तालाब जो बनते हैं कितने बने हुए हैं? जी सर, अभी को हमने में सुनने आया कि हमारे यहाँ तीन डबरी बनाई गई है इन्होंने, तो जो डबरी इन्होंने बनाई वो डबरी ऑलरेडी पहले से जो हमारे यहाँ कई दिनों पहले एफ दयाराम का जो रोड का जो काम चला था उस मशीन वाले एफ दयाराम ने ये डबरी ऑलरेडी बना रखी थी, उसी डबरी को इन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पास करा के कुछ नहीं किया, कुछ मोरम डाल के और पैसे निकाल कर भ्रष्टाचार करके सरपंच सारे हड़प गया और अभी तक वो डबरी एक ही डबरी को तीन बार पास करा ली इन्होंने। हमारे गाँव में कोई डबरी नहीं, जहाँ डबरी है जो गाँव के लोग मोरम उठाते हैं वही डबरी है, बाकी इन्होंने कोई डबरी नहीं बनाई। हमारी जानकारी में एक ही तीन डबरी पास हुई और एक ही डबरी को तीन बार पास करा ली इन लोगों ने। किस जगह बनी हुई है ये डबरी? एलसी रोड पे है, हनुमान मंदिर के पास, अपने ग्रिड के से थोड़े से आगे, गौशाला से आगे। जहां पर सालों से बगीचे की भूमि आवंटित थी वहां पर भी पैसे कमाने के चक्कर में सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण कुमार द्वारा पट्टे बांट दिए गए। बगीचे की जगह आवंटित है वहाँ पर भी घोटाला देखने को मिला, क्या है पूरा मामला? हमने अभी पंचायत की जो नकल निकलवाई थी, जो इन्होंने प्लाट आवंटित किए हैं ना वहाँ पे नकल निकलवाई थी, तो उसमें जहाँ पे बगीचे बता रहे हैं उस जगह प्लाट काट के दिए दी थी सरपंच ने और उनसे पैसे भी ले लिए काफ़ी अच्छे मोटे तौर पर और अपनी जेबें गर्म कर ली। और मैंने भी कई बार सरपंच साहब को बोला कि सर मेरे अभी तक प्लाट नहीं है, मैं अपने परिवार से पृथक हो चुका हूँ और मेरे पास जगह ज़मीन कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने मेरे को प्लाट देने से इनकार कर दिया। और मैंने जब बार बार मांग की तो मेरे से 50-60 हज़ार रुपये की मांग की इन्होंने प्लाट ले के प्लाट मिल जाएगा, परंतु 50-60 हज़ार रुपये पहले जमा कराने पड़ेंगे आपको, और मेरी हैसियत नहीं है ऐसा देने की। और यहाँ पर मनरेगा में काम वगैरह चल रहा है? मनरेगा में काम तो चल रहा है परंतु मशीनों के द्वारा चल रहा है सब यहाँ पर, और सरपंच महोदय आते हैं और किसी का अगर मनरेगा में कूपन कार्ड है तो उनका अंगूठा लगवा के पैसे निकलवा लेते हैं और मशीनों द्वारा काम करते हैं, लोगों को आज दिन तक इन्होंने कभी काम पे नहीं लगाया यहाँ पे मनरेगा में। महात्मा गांधी मनरेगा योजना यूं तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है, परंतु पंचायतों द्वारा इसमें भी बड़े खेल कर लिए जाते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहावत चरित्रार्थ कर देते हैं, वैसा ही काम ग्राम पंचायत सेमलिया हीरा द्वारा भी किया गया। यहाँ पर मनरेगा योजना में जितने भी काम होते हैं सब मशीनरी द्वारा होते हैं, कोई काम जेसीबी द्वारा होता है तो कोई अन्य मशीनों द्वारा होता है और पैसे जापकारधारी मजदूरों के खाते में आते हैं और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा उन्हें चंद पैसों का या अन्य चीज़ों का लालच देकर वह राशि खातों से निकाल ली जाती है। मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं हमने तो अभी तक मजदूरों को नहीं देखा है, सारे काम मशीनों से चल रहे हैं और सरपंच साहब मेरे पास भी आए और उन्होंने मेरा अंगूठा लिया और उससे पैसे निकाले, अभी तक अभी बोल रहे हैं कि पैसे निकालो कि पैसे दे दो मेरे को चाहिए। अब मेरे को मालूम नहीं पैसे किस मेरे खाते में किस प्रकार से आ रहे हैं, मेरे को जानकारी नहीं है इसकी, मैं काम पे अभी तक नहीं गया। आप मनरेगा काम में बिल्कुल भी नहीं गया मैं अभी तक। सरपंच आते हैं आपके घर? बिल्कुल, मेरे घर पे आते हैं सरपंच साहब और पैसे निकालते, मेरा अंगूठा लेते हैं पैसे निकालते, मेरे को जानकारी यही है सारे काम मशीनों से हो रहे हैं। और क्या पंचायत द्वारा आपको अभी तक कोई लाभ मिला या नहीं मिला? बिल्कुल अभी तक कोई लाभ नहीं मिला और मेरे को भी बोला था कि प्लाट आपको देंगे, अभी तक कोई प्लाट कोई वितरण नहीं हुआ और अभी तक मेरे को पास अभी तक नहीं आया मेरा प्लाट अभी तक, और मैंने पहले भी मांग की थी प्लाट की, अभी तक नहीं मेरे को प्लाट नहीं दिया।
क्या लगता है अभी तक क्यों आपको फ्लैट नहीं मिला है? ये मिली भगत होगी इनकी, अभी तक मेरे पास नहीं आया अभी तक फ्लैट पैसे के लिए। मेरे को बोलते कि पैसे दे दो, अभी तक नहीं। लाखों के बजट से शमशान घाट में लगे पेड़ पौधे भी नहीं रहे सुरक्षित। शमशान घाट में लगे पेड़ पौधे भी चढ़ गए भ्रष्टाचार की भेंट। गांव वाले बताते हैं कि 2-3 लाख रुपए के बजट से ग्राम पंचायत द्वारा मुक्तिधाम में पौधे लगाए गए थे, उनमें से मात्र अब 30 या 40 पौधे जीवित हैं। बाकी पौधे पंचायत द्वारा लगाए ही नहीं गए हैं, सिर्फ फोटो खींचकर फॉर्मेलिटी लगातार पूरी कर ली गई। पिछले साल पौधे लगे थे उसमें कितने पौधे जीवित हैं? पौधे 20 से 30 पौधे होंगे और ये कम से कम 3-3.5 लाख का बजट था, तो सभी पौधे के पैसे ये मतलब लगाए नहीं, पौधे भी लगाए उन्होंने, पैसे निकाल के खा गए और वहीं रिपीट करके बता रहे हैं। वो कौन करता धरता हो रहा है पैसे? सरपंच का आदेश में। क्या नाम सरपंच? उषा भाई कुमार, उसका पति है सत्यनारायण कुमार। शासकीय और राजस्व की भूमि पर गरीबों को पट्टे दिए जाते हैं ताकि वह अपना आशियाना बनाकर एक अच्छा जीवन यापन कर सके, परंतु इसमें भी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बड़े खेल खेला गया। लोगों द्वारा कई बार आवेदन करने के बाद भी सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जिम्मेदारों द्वारा पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। महेश पाटीदार, क्या समस्या है? समस्या मेरी सरपंच साहब और सचिव महोदय दोनों से समस्या है। मैंने सबसे पहले एक आवेदन किया था ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव महोदय दोनों को, जो तारीख है 2/8/2017 का, वो प्लाट के लिए करा था कि मैं परिवार से करीब 5 साल से पृथक रह रहा हूँ, मेरे समग्र आइडिया दस्तावेज मेरे सारे अलग बने हुए और मैं स्वयं परिवार का मुखिया हूँ और मेरे 3 सदस्य मेरे साथ। उसके बाद ग्राम पंचायत को एडी मैंने भेजी है सचिव को और सरपंच को, जिसमें उषा भाई के भी साइन है और सुभाष शर्मा के भी साइन है। बेकायदा इनको मिली है 2017 की बात है। 2017 के बाद मजेसरा रोड पर कई प्लाट इन्होंने लोगों को दिए हैं, वो भी हमारे गाँव की निवासी है, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार के लोग होंगे और अन्य समाज के लोग भी होंगे, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात जो 2/8/2017 को जो आवेदन दिया है उस पर इन्होंने कोई अमल नहीं करा, और ये पूरा मेरा आवेदन सरपंच और सचिव को कोई व्यक्तिगत टारगेट बना के नहीं है, मैंने उनको मेरा आवेदन एक सद्भावना के तौर पे दिया है। मैं उनसे आज भी सद्भावना पालता हूँ और आगे भी पालूंगा, और इस सद्भावना का आवेदन फिर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। इस बात फिर एक आवेदन और दिया है मैंने, वो है 11/12/2019 का, ये मेरा दूसरा आवेदन। फिर मैंने एक और आवेदन दिया कि मेरे कार्रवाई पे मेरे जो प्रथम आवेदन दिया था उसको आपने मेरी नहीं सुनी, फिर और एक बार और आवेदन दे रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे इस आवेदन पे उचित कार्रवाई करें, आपने अभी तक नहीं करा। इस बीच 2017 का आवेदन, 2019 का आवेदन, इसके बीच में कई लोगों को सरपंच ने और मंत्री साहब ने अपनी मिली भगत से, राजनीतिक लोगों के दबाव में मिली भगत से, और जो राजनीतिक प्रेशर वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके दबाव में जो दबंगता रखते हैं गाँव में, उन्हीं लोगों को प्लाट दिए हैं और अन्य लोगों को भी दिए हैं, क्योंकि मैं कोर्ट पे काम करता हूँ, इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये पैसा देंगे नहीं और इनको प्लेट देना नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। दूसरी बात, इन दोनों को आवेदन को टारगेट बना के एक आवेदन फिर मैं देने जा रहा हूँ आज, कि अभी भी समझ जाओ और मैं सद्भावना पाल रहा हूँ, आप मेरे इन आवेदनों का निकाल करें, अन्यथा अगर मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे अगर पट्टा मिल नहीं सकता है तो मेरे इन आवेदन को निरस्त करें, मैं इसके लिए उचित कार्रवाई संबंधित।